बताए आध्यात्मिक ज्ञान की समझते हो? ले तो हम मंदिर में जाते थे, पूजा पाठ मंदिर सब करते थे, तो ये ज्ञान क्यों सुनना चाहिए? तो भी पता होना चाहिए ना, क्योंकि कोई फ्री दवाई भी देता है तो क्यों ले रहे हो आप? आपका डॉक्टर है वो दवाई देगा, आपको किसने फ्री दवाई दिया तो लेंगे? नहीं, फ्री देते हुए दवाई ठीक नहीं होती है, नहीं लेना चाहिए। तो ये ज्ञान आपको क्यों चाहिए पता होना चाहिए पहले। कोई भी चीज़ मार्केट में जाके लेते हो तो पता होना चाहिए ज्ञान आपको क्यों चाहिए। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो ज्ञान मिल रहा है तो वो आपको जरूरी है। आप भगवान को मानते हो, मंदिर में जाते हो, पूजा भी करते हो, सब कुछ करते हो, तो ये ज्ञान क्यों चाहिए? कौन बताएगा? एक होता है समझ, दूसरा होता है ना समझ। क्योंकि भक्ति मार्ग में जितने भी लोग जाते हैं पूजा पाठ करने, वो करते तो सब कुछ है, कथा कीर्तन सब कुछ करते हैं, लेकिन उसको उस चीज का बिल्कुल भी कोई ज्ञान नहीं है कि क्या चीज कैसे करनी चाहिए, क्या नहीं करते। सब कुछ है, बहुत ही धूमधाम से करते हैं, बहुत ही रीति रिवाज के साथ करते हैं, लेकिन उनको उस चीज से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी ज्ञान नहीं। ज्ञान में चलेंगे तो आध्यात्मिक ऐसी स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज है जो हमें जीवन जीने का रास्ता बताती है, हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग इस पर उंगली उठाते हैं, दाग धब्बे देते हैं, बहुत ही उसको नीचे गिरा देते हैं, क्योंकि ये सच्चाई का आश्रम है और इसमें लोग भटकते हैं, क्योंकि यहाँ के बातें सत्य बताया जाता है और ये हमें जीवन जीने का रास्ता बताता है। तो आप कहते हो ये ज्ञान सत्य है, जो वहाँ भक्ति में ज्ञान नहीं है, ऐसा कहते हो? तो एक उदाहरण बताओ। आज भाई जी मंदिर में जाते हैं, विष्णु के मंदिर में जाते हैं, शिव के मंदिर में जाते हैं, राम के मंदिर में जाते हैं, कृष्ण के मंदिर में जाते हैं। कृष्ण को जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण है, उसने गीता सुनाई थी, उसने अर्जुन को मदद किया था, कौरवों को हरा करके राज्य दिलाए, पांडवों को युद्ध किया, ये सब पता है। भक्ति में क्या चीज़ है और ज्ञान में सत्य का आपने क्या सत्य है? अगर उन्हें इस चीज का ज्ञान होता तो पहली चीज वो भक्ति ही ना करते। क्यों? क्योंकि मनुष्य मनुष्य की भक्ति कर रहा है, वो खुद देह है, देह की भक्ति कर रहा है, तो देह की देह भक्ति करना तो देह ही देह अभिमान ज्यादा पड़ता है, तो इस वजह से हमें भक्ति करना ठीक नहीं करना। माता जी क्या कहती है? और अभी कुछ सुना, भक्ति मंदिर में जाते पूजा करते हो, भक्ति करना चाहिए ना। विद्यालय है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है ना, तब कहा नवाब। ऐसे नहीं, सिर्फ सुनने से नहीं बने। रामायण सुना, महाभारत सुना, मंदिर में गए, पूजा किया, है ना। जितने आप इधर बैठे हो सब मंदिर में पूजा पाठ आपने, हमने भी किया, सब लोग गए। तो आप में से डॉक्टर के पास गए आप, और डॉक्टर ने किसी की बीमारी ठीक ही नहीं किया, तो डॉक्टर ठीक है कि दवाई ठीक नहीं? तो आप सब लोग मंदिर में गए, पूजा पाठ को मानते हो, क्यों गए थे मंदिर में? खाना देता है भगवान, पैसा देता है, बीमारी मिटाता है? नहीं, क्यों गए थे? आप में से एक भी बताओ कोई भी क्रोध मुक्त है? क्रोध करना चाहते हो तो यही विकार, यही कहना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो आपने इतनी मंदिर कुछ किया, यात्रा पर गए, गंगा में जाके स्नान भी किया, तो किसके लिए किया? एक क्रोध मिटा क्या? आप क्रोध करना चाहते हो? करने से खुशी खुश होंगे? चाहते हो क्रोध करना? करना चाहिए? ये बुराई है कि अच्छाई है? भाई जी क्या कहता है? आपके पीछे वाले भाई है ना, तो वो चाहते नहीं ना, तो वो कैसे जाएगा, कौन मिटाएगा? श्री राम के मंदिर में जाओ, श्री कृष्ण की भजन करो, पूजा करो, देवी की करो, गंगा नदी में स्नान करो, हवन करो, जप करो। विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध को जीत नहीं सका। क्या किया, क्या क्या किया है ना, तब पता होना चाहिए। भक्ति चाहिए। बच्चे थे तो दूध पीते थे, सब्जी रोटी खा नहीं सकते हैं, उनको दूध पिला देता, हल्का आहार। भक्ति जरूर चाहिए,
है ना, भक्ति के से भावना जागृत हुई तो वहां के उसके बाद ज्ञान। ये अभी आप आए हो भक्ति करके, बड़े छोटे बच्चे थे, दूध पी के बड़े हो गए, अभी दूध पी लो ना, सब्जी रोटी क्यों खाते हो, दूध ही पी लो, वो भी आहार है। बच्चे छोटे थे बड़े हो गए, दूध से हो गए, सब्जी रोटी चावल खाने से तो नहीं हुए, तो अभी भी दूध पी लो नहीं, अभी मेहनत करने के लिए ताकत चाहिए तो सब्जी रोटी चावल चाहिए। दूध में बच्चों को कोई मेहनत नहीं करना है, दूध में इतना ताकत है। तो भक्ति से आत्मा ने जो किया हुआ पाप नहीं मिटता है। तब कहा चाहे लाख करो चतुराई, लेप मिटे नारे भाई।